पानीपत से बड़ी खबर आ रही है, कोविड 19 का एक पॉजिटिव मामला सामने आया है। बड़ी खबर आपको बता दें, कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। जिला अस्पताल में मरीज दाखिल है, 21 साल का ये युवक इंग्लैंड से आया है। पानीपत में कोरोना का पॉजिटिव मामला सामने आया है, बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। अब तक हरियाणावासी राहत की सांस ले रहे थे, लेकिन एक के बाद एक कोरोना संक्रमित मामले हरियाणा से सामने आ रहे हैं, जिससे लोगों के हाथ पैर फूल रहे हैं। लोगों से लगातार अपील की जा रही है कि संयम रखें, पैनिक सिचुएशन क्रिएट ना करें। ताजा अपडेट आपको दे दें, पानीपत से कोविड 19 का एक मामला सामने आ गया है। कोरोना ब्रेकिंग आपको बता रहे हैं, पानीपत में कोरोना का एक पॉजिटिव मामला सामने आया है। जिला अस्पताल में दाखिल है ये मरीज। 21 साल का है और इंग्लैंड से आया है। देवेंद्र कथूरिया हमारे साथ, हमारे पानीपत के ब्यूरो चीफ जुड़ गए हैं ज्यादा बातचीत के लिए। देवेंद्र, पानीपत से कोरोना का एक पॉजिटिव मामला सामने आया है, क्या अपडेट आपके पास? देखिए रंजना, ये अभी अभी मामला डिस्क्लोज किया गया है जिला प्रशासन अस्पताल की तरफ से। उसमें दरअसल 21 साल का एक लड़का इंग्लैंड से आया है, संभवतः स्टूडेंट है, हालांकि उसकी आइडेंटिटी देने से अस्पताल प्रशासन मना कर रहा है। कोई स्टूडेंट है, 21 साल उम्र है और इंग्लैंड से आया है। कल उसको कोई दिक्कत हुई थी, कल अस्पताल में भर्ती कराया गया था, तो लंबी जांच पड़ताल के बाद, उससे पूछताछ के बाद, अब ये डिप्टी सिविल सर्जन ने कंफर्म किया है कि ये कोविड 19 का मामला है। दरअसल ये मेडिकल टर्म है, कोरोना वायरस और कोविड 19, क्योंकि जब ये मामला, मेरे को जो लगता है, जो मेडिकल, वैसे तो डॉक्टर बताएंगे, लेकिन कोरोना जब ज्यादा घातक या बिगड़ जाता है तो शायद इसको कोविड 19 कहते हैं। तो कोविड 19 भी गंभीर है, बहुत ज्यादा घातक है, तो कंफर्मेशन हो गई है। जिला अस्पताल के डॉक्टरों का ये कहना है कि इनको अभी हम 2-3 दिन रखेंगे, अगर हमारे नियंत्रण में नहीं आता तो इसको फिर आगे कहीं रेफर, कहीं बड़ी जगह पे किया जा सकता है। फिलहाल पहला पॉजिटिव मामला आया है और इसके अलावा अभी तक 6 सैंपल भेजे जा चुके हैं। 4 दिन पहले तक एक सैंपल भेजा गया था जो 3 दिन बाद नेगेटिव आया था, उससे राहत की सांस ली थी शहर के लोगों ने, लेकिन अब एक के बाद एक मामले बढ़ रहे हैं। शायद 8 मामले आ चुके हैं, अब तक 6 सैंपल उनके जा चुके हैं, उनकी रिपोर्ट आनी बाकी की। लेकिन ये कोविड 19 का जो सामने मामला आया और कंफर्मेशन हुई है, इससे अस्पताल प्रशासन भी सकते में है। डॉक्टरों को और जिला प्रशासन को ये डर है कि कहीं ये मामला, क्योंकि लड़का यही पानीपत के आसपास का, ये पानीपत का ही है, तो ये कि वायरस किसी और को ना, मतलब उसको अफेक्ट कर गए हो, तो ये दिक्कत कहीं बढ़ सकती है, इस तरह की आशंका भी है। फिलहाल लोगों में घबराहट जो है कि पहला पॉजिटिव मामला सामने आया है। जी बिल्कुल देवेंद्र, यहाँ पर जानने की जरूरत यह है कि क्या हिस्ट्री पता लगाने की कोशिश की जा रही है कोविड 19 के संक्रमित की, कि ये किस किस के संपर्क में आया था, इसके परिवार में कौन कौन है, क्या उन तमाम लोगों को भी आइसोलेशन में रखा जा रहा है? देखिए रंजना, ये मामला एक्चुअली ये सीक्रेट मामला है, पुलिस अधिकारी का भी कहना है कि हम इसको, ये बिल्कुल सीक्रेट है। अगर जिस जगह का वो युवक बताता है, उसकी फैमिली है, किस एरिया के, तो आसपास के लोगों में पैनिक हो सकता है, ये फिर अफवाहों का रूप ले सकता है, तो इसी वजह से इसको सीक्रेट रखा गया है। लेकिन एक कहा गया है कि जो केस आया कन्फर्म तो है, लेकिन इसको ठीक करने की कोशिश हो रही है ताकि आगे नुकसान ना हो और किसी तरह की अफवाहें या उस तरह की बात ना हो, तो उसकी आइडेंटिटी को छुपाया गया है। बात सही भी है कि अगर उसकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज कर दे तो वहां के आसपास के लोगों में थोड़ा सा पैनिक हो जाएगा, बातें फिर मैसेज मिस इन्फॉर्मेशन भी हो सकती है, उसका नुकसान ज्यादा हो सकता है, तो लिहाजा सीक्रेट मानकर इसको रखा गया है। लेकिन ये जरूर अस्पताल प्रशासन ने बताया कि कन्फर्म केस है और लोग अपना ध्यान रखें, दूरी बनाए रखें और जो दिशा निर्देश स्वास्थ्य विभाग की ओर से दिए जा रहे हैं उनका पूरी तरह पालन किया जाए, अगर आपको इस मुसीबत से बचे रहना है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। तो कोविड 19 का एक मामला पानीपत से सामने आया है, जिसके बाद से अब पीड़ित को आइसोलेशन में रखा गया है, उसका इलाज चल रहा है।